राम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। जब लंका में प्रवेश होना था युद्ध के लिए, सेतुबंधु रामेश्वर की स्थापना करना था, तो शिवलिंग की स्थापना किया, शिव जी की पूजा किया। तो शिव जी ने कहा कि ये मेरी पूजा कौन कर रहा है? तो उनको सूचना मिली राम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लंका के रावण पर आक्रमण करना है, सेतुबंधु बन रहा है। शिव जी ने कहा रावण मेरा परम भक्त है, मैं शिव दूत शिव गण को भेज करके रावण की मदद करने वाला था, लेकिन राम इतना चतुर है ये भी मेरी पूजा कर रहा है, तो मुझे दोनों के बीच सिलेंडर होना पड़ेगा। अब राम जीतेगा रावण हारेगा, क्योंकि राम के पास संतों का आशीर्वाद है, इसलिए राम की जीत हो। संतों का आशीर्वाद लीजिए, बैराग्यवान संत को ढूंढिए, स्त्री लंपट बेबिचारी फिल्म देखने वाले संत ये सारी दुनिया को भ्रष्ट करने के लिए साधु हुई है। फिल्म देखने से अच्छे भले आदमी का मन भ्रष्ट हो जाता है, अगर साधु होकर कोई फिल्म देखता हो, याद रखना केवल कपड़ा साधु का है परंतु लफड़ा सब संसार का है, उससे बच के रहिए। मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि बहुत लोग साधुओं से धोखा खा गए, नकली साधुओं से, इसलिए खोल रहा हूँ परिभाषा। कपड़ा लपेट लपेट के सब आ रहे हैं, बाल लंबे लंबे करके आ रहे हैं, सब बाबा जी बन रहे हैं। इतने बाबा कहाँ से हो गए? और इतने बाबा अच्छे अगर होते तो ये संसार इतना नरक नहीं होता, अभी स्वर्ग बन गया होता। ठीक ठाक बाबा अगर 20,000 बाबा भी ठीक ठाक हो जाए हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के कोने कोने में सत्संग की गंगा बह सकती है और हिंदुस्तान एक महान देश फिर से बन सकता है। गांव गांव में जाकर के अलग जगाने की जरूरत है। खाओ पियो मौज करो, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। गांव गांव में जाकर छोटा छोटा सत्संग करो, बड़ा बड़ा सत्संग करो। मैं छोटा सत्संग भी कर देता हूँ। अभी यहाँ बैठे हैं कितने हजार लोग होंगे बताओ, डरा रहा हूँ, कौन है? फेरा रहा हूँ, बताओ। अरे कौन बताएगा ये संख्या? बताओ, जोड़ो, खड़े हो जाओ। कौन खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा, मैं बताऊँगा। लगभग लगभग एक आदमी से पूछ लेता हूँ, कहीं मैं गलत बोल दूँ तो, होशियार आदमी ढूंढता हूँ इसमें। तुम टोपी वाले यहाँ खड़े हो, ये होशियार आदमी, बहुत खिलाड़ी आदमी है। हाँ बोलो, 5,000 बैठ जाओ। हम कम क्यों करें? हमारा क्या, हम तो जिसको 7,000 बोलते तो और मेरा सम्मान बढ़ता है ना। 5,000 से कम भी नहीं है, क्योंकि 77 चांदनी लगी हुई है, बहुत भीड़ है, होना भी चाहिए। मैं तो सोचता 50,000 लोग हो जाए। ये उस आदमी को खड़ा किया हूँ, जब भोजन आप कर रहे थे ना, तो दूसरी चटाई बिछने आ रही थी, तो उसने अनाउंस किया था कि जो जहाँ बैठे वहीं बैठे रहो, दूसरी चटाई की जरूरत नहीं, लेकिन एक भी भात का दाना अलग गिर जाए तो उठा के पत्तल पे रख देना। ऐसे ढंग से समझाया कि ये जो कह रहा था व्यक्ति चटाई बिछा के, तब तो वो भी शांत हो गया और खाने वाले खा लिए, अब दाना इधर रखो चाहे उधर रखो, हो गया काम। मेरे को याद है आज डोडो पहर के लोगों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। इतनी बड़ी पंगत बैठी थी, नर नारी सब बैठे थे, इतने पारस करने वाले लोग थे। ये सेवा ग्राम है, ये प्रेम भक्ति का ग्राम है। धन्य है डोडो पार के नर नारी जिन्होंने 5-10 हजार लोगों का भंडारा बनाकर हाथों हाथ चुटकी बजाते खिला दिया। मेरे मन में हो रहा था मैं माइक लेकर बोलूं कि अच्छी तरह पारस करना, सब लोग जुट जाना, लेकिन मेरे बोलने से पहले सब जुटे थे। आज भगवान दास का रूप हर डोडो पार के व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है। किसी ने ये नहीं सोचा कि भगवान दास ने गुरु जी को बुलाया तो मैं सेवा क्यों करूं। सबने सोचा गुरु जी केवल भगवान दास के नहीं है, भगवान दास ने बुलाया है ये तो महान कार्य किया है, पर हमको सबको गुरु जी को संभालना चाहिए और सबकी सेवा करना चाहिए। डोडोपुरी धन्य है।
वास्तव में सूरज सभी का होता है, संत सभी के होते हैं, मत पंथ का भी उसमें कोई बंटवारा नहीं है। जन कल्याण के लिए मेरा सत्संग है, यहां कोई पंथवाद संप्रदायवाद नहीं है। कबीर के इंजेक्शन से अगर तुम्हारी बीमारी दूर हो जाए तो भी ठीक है, रामायण के कैप्सूल से तुम अच्छे हो जाओ तो भी ठीक है, और गीता का इंजेक्शन मार दूं तो भी अच्छा है, अगर उपनिषद के टेबलेट दे दूं तो भी बीमारी ठीक हो जाए अच्छा है। मेरा उद्देश्य गीता रामायण भागवत से नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे मन की बीमारी को दूर करने से है, वो चाहे जैसे दूर हो पर आपका मन निर्मल होना चाहिए, इसलिए सत्संग सुनाता। तुम ही मेरे मंदिर गाऊं, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता, तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है, तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या, तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मन। सब गाओ, आवाज नहीं आ रही है, या तो क्या बात, नींद आ रही है, सुला दूं ही। तुम ही देवता, बहुत देर बीती चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन मैं सुना दूं, तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरी बैना, तुम ही मेरे रसना, तुम ही मेरे सोना, तुम ही मेरे मंदिर, गुनगुनाओ मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। सिर दर्द हो तब ये पंक्तियां गाना, दर्द कम हो जाएगा। आपकी पत्नी कहती हो मैं बीमार हूं, उसको सुनाना स्वस्थ हो जाएगी। इन पंक्तियों में शक्ति है, जो ही तुम बोलोगे तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी देवी, बस उठ के बैठ जाएगी और कहेगी चाय बनाकर पिलाती हूं।
बहुत अच्छा इंजेक्शन दिया हो। तुम्हारा पति कभी कहता हो आज कुछ करने का मन नहीं, अच्छा नहीं लगता, तुम उसके पास बैठ जाना, गा देना और उससे ये कहना कि कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या। तुरंत उठकर खड़ा होगा पति, कहेगा मैं तेरा पति हूँ, जो बता काम वही करता हूँ। गुरु के पास ये पंक्तियां गाना तो फिर चरण पूजा में बुलाना, और नहीं जाना चाहते हो तो टाइम निकाल कर देंगे, तुम्हारे घर आएंगे। आज बहुत से लोग चरण पूजा में ले जाना चाहते हैं, उमरपोटी से आमंत्रण, सांगली से आमंत्रण, इर्रा से आमंत्रण, शेमरा से आमंत्रण, गातापार खुमान सिंह का रामबाई का आमंत्रण, कितने लोगों ने बुलाया है कि चरण पूजा में आना। पुरशुली संतोष कुमार का आमंत्रण मैं तो नहीं पहुंचा, साहिब को पहुंचा दिया। उनसे मैंने कहा आप चले जाया करो, पूजा में जाओ, बोले हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मैंने कहा अलग अलग जाओ, ज़्यादा लंबा काम है, बांट लो। मैं छोटे छोटे घरों में चरण पूजा में भी चला जाता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ भक्त धनवान है कि गरीब है, बस यही देखता हूँ कि भक्त श्रद्धावान है, तो मैं जाता हूँ, सबके यहाँ जाता हूँ, और किसी के यहाँ बोल देता हूँ कुछ खाने को मत बनाना, बस केवल पानी पीऊँगा। किसी को बोल देता हूँ कुछ बना लेना, भूख लग सकती है, बोलता क्या बनाऊँ, तो मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ में जो सस्ता हो, गुलगुल भजिया और टमाटर की चटनी बनाते। प्रेम से भगवान राम ने बेर खाए थे शिवरी के, उनसे तो अच्छा ही है, बात तो प्रेम की है, बात भूख में कुछ खाने की है। और भूख हो तो आप कोई भी चीज खाओ सब हजम हो जाती है, भूख नहीं है जो चीज खाओगे वो सब डिस्टर्ब होती है, भूख के लिए खाना है, सबके प्रेम को निभाना है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो कि सब काम छोड़ करके आज आप सत्संग में आए हैं। मैं तो कहूंगा सत्संग में इतनी रुचि रखना, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही सुख है, सत्संग ही शांति है, सत्संग के बिना सुख नहीं पाओगे। गुरु जी ने काकभूषुंडी से रामायण में प्रश्न पूछा है, सुख कहाँ है, दुख कहाँ है? काकभूषुंडी एक चौपाई में जवाब दे रहे हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं। संत का दर्शन साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेन फलते तीर्था सद्या साधु समागमा, संत के दर्शन से तीर्थों का फल प्राप्त होता। सही संत मिल जाए तो आपकी दुखों का अंत करता है और आपके जीवन को बसंत बनाता है, उसी का नाम संत होता है जो दुखों का अंत कर देता है। काकभूषुंडी कह रहे हैं संत मिलन सम सुख जग नाही, और संत को मिलो तो कैसे मिलो, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। बड़ी श्रद्धा के साथ नम्रता के साथ संत का दर्शन करने के लिए जाओ, अहंकार में भर कर नहीं विनम्र भाव से भर जाओ, तब उनके दर्शन का फल कितना मिलेगा, करोड़ों यज्ञ के समान तुमको फल प्राप्त होगा। उनकी वाणी से तुमको सुख मिलेगा, दर्शन से शांति मिलेगी। यस दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता,
स्वयं भूया धृति शांति सा भवेत परमो गुरु, जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्नता और हृदय में शांति आ जाए तो समझ लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परम गुरु है, उसके चरणों में बैठ जाना चाहिए। दर्शन से भी प्रसन्नता मिलती है और साथ में उनकी वाणी सुनने से हृदय में शांति आती है। आपको शांति मिले, आपको सुख मिले, आपका विवेक जागृत हो, कांटों के बीच में आप फूलों को चुन सकें, घर के कले कलेश के बीच में भी आप मुस्करा सकें, घर के लोगों को समझा सकें, सबको सद्बुद्धि दे सकें, ऐसा आपका ज्ञान विकसित हो, आपके घर का बच्चा बच्चा संस्कारी बने, आपके घर की स्त्रियां देवी का रूप धारण करके घर की शोभा बढ़ाएं, घर में कले कलेश न करें, सभी गम खाना सीखें, घर को स्वर्ग बनाइए, घर ही में तीर्थ बनेबे मंदिर हम काहे को जेबे, घर को तीर्थ बनाओ, सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनेबे मंदिर हम काहे को जेबे। कबीर साहब का बड़ा प्यारा भजन है, चार पंक्तियां सुनाता हूं आपको। घर ही में तीर्थ बनेबे मंदिर हम काहे को जेबे, घर ही में तीर्थ बनेबे मंदिर हम काहे को जेबे। संतन के सतसंग तीरथ में, संतन के सतसंग तीरथ में, मली मली दाग छोड़ेबे मंदिर हम काहे को जइबे, मली मली दाग छोड़ेबे मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में तीरथ बनेबे मंदिर हम काहे को जइबे, घर ही में तीरथ बनेबे मंदिर हम काहे को जइबे। माते पिता की सेवा करी के, माते पिता की सेवा करी के, कोटिन तीरथ फल पैबे मंदिर हम काहे को जइबे, कोटिन तीरथ फल पैबे मंदिर हम काहे को जइबे। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनेबे मंदिर हम काहे को जइबे, स्वामी को ईश्वर बनेबे मंदिर हम काहे को जइबे। कहाई कबीर सब अवगुण तजी के, कहाई कबीर सब अवगुण तजी के, जीवन सफल बनेबे मंदिर हम काहे को जइबे, जीवन सफल बनेबे मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में तीर्थ बनेबे मंदिर हम काहे को जइबे, घर ही में तीर्थ बनेबे मंदिर हम काहे को जइबे। आपको मेरे सत्संग का उद्देश्य, तालियों का उद्देश्य, आपकी चिंता को दूर करना, प्रसन्न करना, खुश करना, आपकी मुस्कान को वापस लौटाना है, चाहे सत्संग से, चाहे ताली बजाने से, चाहे हमारे खुश होने से। तुम खुश हो जाओ, यही मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। घर ही में तीर्थ बनेबे मंदिर हम काहे को जइबे, घर ही में तीर्थ बनेबे मंदिर हम काहे को जइबे।
संतन के सतसंग तीरथ में संतन के सतसंग तीरथ में मली मली दाग छोड़ई बे मंदिर हम काहे को जय हो मली दाग छोड़ई बे मंदिर हम काहे को जय घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे घर को तीर्थ बना लो। वाह वाह जय हो। सब मेरे साथ हैं। जय हो साहेब बंदगी। साहेब तुम्हारा घर तीर्थ कैसे बनेगा? घर में माता पिता की तस्वीर लगाइए, संत गुरु की तस्वीर लगाइए, वीर पुरुषों की तस्वीर लगाइए, देश भक्तों की तस्वीर लगाइए, हीरो हीरोइन चरित्रहीनों की तस्वीर मत लगाइए, कायर कूचड़ों की तस्वीर मत लगाइए। छोटा सा बालक जन्म ले उसको गोद में लेकर के उसका फोटो तुम्हारा फोटो साथ में तस्वीर लगाइए। बालक जब बड़ा हो उसको पता होना चाहिए कभी इतना छोटा था मैं कि माँ मेरी गोद में रखे है। बालक जब छोटा होता है माँ गोद लेती है। मैं बालकों से कहूँगा जब जवान हो जाना कभी माँ उठ ना पाए तुम्हारे पिता उठ ना पाए तो गोद में उठा करके जहां बिठाना है वहां बिठा देना तो इस कर्ज से तुम मुक्त हो जाओ। ये माता पिता का बहुत कर्जा है। तुम्हारे गुरु ने तुमको बचपन में शुरुआत में बहुत पालन पोषण किया है, ज्ञान दिया है। अब गुरु बुजुर्ग हो गया है उस गुरु का हाथ पकड़ करके कहीं डगमगा न जाए, शरीर कमजोर है लेकर भी चल देना। तुमको उंगली पकड़कर सतमार्ग पर चलना सिखाया है जिस गुरु ने। कितने शिष्य ऐसे भी स्वार्थी होते हैं बुढ़ापे में गुरु को छोड़ करके न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। गुरु की भी सेटिंग बना दो, उनकी भी सेवा का सिस्टम बना दो, आपका गुरु भी खुश रहे, माता पिता खुश रहें। श्रवण कुमार ने क्या किया था? माता पिता की सेवा किया, आज श्रवण कुमार को याद किया जाता है। सास ससुर की सेवा करोगे, मैं गारंटी से कहता हूँ कोई तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में जाओ न जाओ अपने घर ही को मंदिर बनाओ। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा वही पूजा के फूल है। अहंकार को छोड़कर गुस्सा को छोड़कर उनकी सेवा कर लो। जिस घर के बूढ़े मुस्कराते रहते हैं, जिस घर के बच्चे शिक्षा में मन लगाते हैं, जिस घर के जवान सत्संग में डुबकी लगाते हैं, वह घर घर नहीं रह जाता है, वो मंदिर और तीर्थ बन जाता है, मंदिर और तीर्थ बन जाता है। मैं आपसे कहूँगा संतों के फोटो अपने पूरे घर में लगा दो, गुरु जी के फोटो लगा दो, हर कमरे में हर दीवार में जिधर देखता हूँ नज़र तुम ही आते, ऐसा होना चाहिए। भूत प्रेत के सपने भी नहीं आएंगे फिर आपको। ये सांप और पागल हाथी का सपना जो तुम देखते हो डरते हो वो सब बंद हो जाएगा। केवल केवल संत और गुरु की तस्वीर। हमारे भक्त श्री रामचरण साहू महासमुंद के, उसके घर में गया तो उसके हर कमरे में हर दीवार पर संत गुरु का फोटो, बड़े सुंदर सुंदर। तुमने कहा रामचरण क्या बात, बोले भूत प्रेत का सपना आता था, मैंने हर तरफ बिठा दिया आपको, अब कंट्रोल कर लेते हैं आप। कहाँ भूत प्रेत है। अपन देश समारोह आपे तीनों लोग हाँकते काम, तन थिर मन थिर बचन थिर सूरत निरत थिर होए,
कहें कबीर वह पलक ही कलब बराबर हो। आपका मन आपके बस में हो जाए, जिसका मन बस में होता है ना, उसको कुछ मिले ना मिले वो अपने आप में सुखी रहता है। ये संत क्यों सुखी है? इनका मन बस में है। कल इनका मन बस से बाहर हो जाए, ये कल दुख में पड़ जाएंगे, ये कल लुगाई ढूंढेंगे, कोई रेखा देवी ढूंढ कर लाएंगे कहीं से। जब तक मन बस में है तब तक ये चकईक चकधुम मकई के लावा तिकड़क तिकड़म से बचे हैं, और मन के बस में जब ये हो जाएंगे इनका पूरा काम खत्म हो जाएगा। मन को बस में कर ले भगवान से भी बड़ा होता है। इसलिए राम जी कहते हैं, सतोई सम मोमय जग देख है मोते अधिक संत कर लेख है, संत मुझसे भी बड़े हैं, क्योंकि उनका मन पूरा बस में है। राम कहते संत का दर्जा मुझसे बड़ा है। संत का दर्जा कोई छोटा मोटा है? भगवान भी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है, और संतों को प्रणाम करने से आपकी जिंदगी के परिणाम सुंदर हो जाते हैं। संतों को नमन करने से तुम्हारा मन सुमन बन जाता है। संतों को नमस्कार करने से तुम्हारे जीवन का आकार सुंदर होता है। और माता पिता को भी प्रणाम करो, अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को भी समझो। यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है, जिस घर में रहते हो ये भी टेम्परेरी है, पत्नी भी टेम्परेरी, पति भी टेम्परेरी, माता पिता भी टेम्परेरी, जमीन टेम्परेरी। आज तुम इस जमीन के मालिक हो, कल ट्रांसफर होगा तुम्हारा, ये कुछ भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। जिसको तुमने बर्बाद किया है उस बर्बादी का दुख भोगने के लिए उस घर में जन्म होगा, इसलिए किसी को बर्बाद मत करो। जिसका रास्ता बंद कर दिया है उसके घर में तुम्हारा जन्म होगा, उस बंद रास्ते का दुख तुम 100 साल भोगोगे। जिसकी रोटी छीना है, जिसकी जमीन छीना है, उसके घर में जन्म होगा, न रोटी मिलेगी न जमीन मिलेगी, ऐसे घूमते रहोगे। बांटो दोनों हाथ उलीची यही सयानों का, सेवा करो। उन्नत का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। यहाँ जितना तुम पुण्य और परमार्थ कर लोगे, धर्मार्थ कर लोगे, वही तुम्हारी आत्मा के साथ में पुण्य के संस्कार जाएंगे। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जाना तो सबको है, पर जाने जाने में अंतर है। अच्छे कर्म करके जाओगे तो समझो सिंहासन पर बैठ कर जा रहे हो, बुरे कर्म करोगे तो पाप की जंजीरों में बंध कर जाओगे। आज से संकल्प लीजिए, अच्छे कर्म करना, बुरे कर्मों को त्यागना। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। जिन हाथों से तुम शक्कर बांटो उसके बाद हाथ चाटो तो आपके हाथों में भी मिठास आती है, और नमक बांटो फिर हाथ चाटो तो खारीपन का स्वाद आता है, और मिर्चा बांटो फिर चाटो तो बहुत कड़वा लगता है। जो दो दुनिया को तुम बांटते हो वही चाटते हो, इसलिए अच्छा बांटना ताकि आपको अच्छा ही मिले। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कर्मों का नियम है। कर्म करने के बाद तुम भले भूल जाओ कि मैंने क्या किया है, लेकिन कर्म नहीं भूलता फल देना। 1000 गायों के बीच में बछड़ा जब जाता है तो अपनी माँ को ढूंढ कर दूध पीता है, ऐसे 1000 जन्म बीतने के बाद भी कर्म रूपी बछड़ा अपनी आत्मा रूपी गाय को ढूंढ लेता है और कर्म का फल प्रदान कर देता है। इसलिए अच्छे कर्म करना ताकि आपकी आत्मा को सुख मिले।